देखो, अनजस्ट एनरिचमेंट में जो बात बताई गई है वो ये है कि कोई आदमी बिना बिना उसके धनवान कैसे बन सकता है, क्या है तरीका बिना। तो उसका तरीका ये है कि मान लो एक आदमी ने कोई फायदा उठा लिया है, क्या कर लिया है, कोई फायदा उठा लिया है, और उस फायदे को बिना अकारण फायदा उठा लिया, बिना पैसे फायदा उठा लिया, तो वो पैसा फायदा उठा लिया है, कानून उसके किसी भी व्यक्ति को फायदा उठाने से मना करती फायदा उठाना कैसे, फायदा उठाना कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल से लो, एक ए आदमी है, ठीक है, ये पागल हो गया, क्या हो गया, पागल हो गया। एक इसकी डब्लू है, इसके अलावा इसका एक सन है, बच्चा 5-6 साल का है, और ये आदमी पागल हो जाता है। जब ये पागल हो गया, जब ये पागल हो गया, तो एक बिल्कुल फैमिली फ्रेंड भी होता है, जो फैमिली फ्रेंड इसके इलाज के पैसे देता है। तो करीब 50,000 रुपया इसके इलाज पर खर्च हो जाता है। फैमिली की आवश्यकताओं के लिए भी ये 50,000 रुपये दे देता है। बात समझे, इनकी आवश्यकताओं के लिए भी 50,000 रुपये दे देता है, साथ में बच्चे की फीस के भी 25,000 रुपये दे देता है। फिर इलाज की जरूरत पड़ती है तो फिर 50,000 रुपये दे देता है। तो करीब करीब 1.5-1.5-2 लाख रुपए वो उसके परिवार पर खर्च कर देता है। थोड़े दिन बाद ये आदमी सही हो जाता है, सही हो जाता है। फ्रेंड कहता है, यार तुम पागल थे उस समय, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैंने आपकी हिसाब लिख रखा है, आपकी फैमिली पर, आपके इलाज पर करीब 1 लाख रुपया का खर्चा आया था, ये डॉक्टर्स को पे किए हैं, आपकी फैमिली खर्चा के लिए आप भाभी जी को इतने पैसे दिए और बच्चे की फीस वगैरह भी जमा कराई, और अब आप चूंकि स्वस्थ भी हैं और आप पे पैसा भी है, तो इस पैसे को वापस दे दीजिए। अब ये एडवोकेट था, उन्होंने कहा, ये भी एडवोकेट ही था, दोनों दोस्त एडवोकेट थे। उन्होंने कहा, यार दोस्त एक बात बता, जिस समय मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मैं तो पागल था, और पागल आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आई वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम, तो यू कैन नॉट डिमांड अमाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। तो बोले, यार मैंने तो दोस्त के कारण खर्च करे, तो बोले दोस्त के कारण खर्च करे तो भूल जाओ, दोस्त के कारण खर्च करे तो अब भूल भी जाओ, अब क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, बोले नहीं यार, बहुत मेहनत से कमाए, 2 लाख रुपया ऐसे आसानी से नहीं आते, मैं भूल तो नहीं सकता, पैसे तो मैं चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 के अंतर्गत वो दावा लाता है। इन इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
उनको हिंदी में बोलते हैं कई नाम है, और इंग्लिश में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, संविदा से सृजित संबंध, मतलब दीज आर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सभी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको कहा संविदा के जैसा है लेकिन संविदा नहीं है। संविदा जैसा है लेकिन संविदा नहीं है। दीज आर रिलेशनशिप विच क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट। बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर गिवन अंडर सेक्शन 10 आर नॉट अवेलेबल हियर। वो सारी की सारी बातें जो सेक्शन 2H+10 में कॉन्ट्रैक्ट को बनाती हैं, वो बातें यहां नहीं है। उनके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट है ये। अर्थात सेक्शन 68 कहता है, या सेक्शन 68 से 68, 69, 70, 71, 72, 7 तक, 68 से 72 तक ये संबंध बताए गए। इन संबंधों में जो सिद्धांत काम करता है उस सिद्धांत का नाम है अनजस्ट एनरिचमेंट। मतलब ये प्रोहिबिट करता है इस बात को कहीं अनजस्ट ना हो, मतलब जस्टिसेबल हो। इसने क्या गलती की? ही वॉज फ्रेंड, ड्यू टू हिज फ्रेंडशिप उसने इलाज के पैसे दिए, घर खर्चे के पैसे दिए। जैसे आप देखते हो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी करहा रहा है, आप उसे उठाते हो, उठा के रास्ते में से अपनी गाड़ी में बिठाते हो, ले जाते हो, इलाज कराते हो। कॉन्शसनेस खो देता है, डॉक्टर कहता है इतने रुपए, तो ये 50,000 रुपए का इंजेक्शन लाना पड़ेगा, तब जाके इसकी जान बच पाएगी, और अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके लिए 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। बोले सर करिए आप, मैं देता हूं। आप जानते भी नहीं उस आदमी को, आप जानते भी नहीं उस आदमी को, तो भी आप उस पर खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या वो देगा? नहीं, देने पड़ेंगे। एक लड़का है, वो आके कहता है सर मेरे को आरजेएस, कैसे भी आरजेएस बना दो, फीस वगैरह मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दे पाऊंगा, जब मजिस्ट्रेट बन जाऊंगा मैं तुम्हें 10 गुना फीस दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब मान लो टीचर उसके लिए पूरा सहयोग करता है, बना देता है, उसे नौकरी आने लगती है, अब मजिस्ट्रेट बन गया है। जब उसे कहा कि भाई इतने पैसे तुम्हारे फीस के, तुम्हारे ऊपर किए हुए खर्चों के, हॉस्टल के, ये हो गए थे, तो कृपया करके वो जमा करा दो, दे दो। बोले सर नहीं दे रहा मैं। अब बोलो क्या करोगे? तो उन सब बातों के लिए क्या बनाया है? सेक्शन 68 से लेकर 72 तक, हर ऐसे मामले जहां जरूरत की चीजों का, किस चीजों का, असेंशियल थिंग्स का, ऐसे नहीं आपने कोई लग्जरी के यूज कर दिया किसी का, आवश्यकता की चीजें, किस चीज की आवश्यकता की चीजें आपने खर्च कर दी हैं, तो वह व्यक्ति जिससे जिसके ऊपर आपने ऐसा खर्चा किया है, लीगली उससे सब मांग सकते हो, वो उसे देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। मना करने पर कोर्ट के माध्यम से सेक्शन 68 से लेके 72 तक के प्रोविजंस आपको सपोर्ट करेंगे।
फ्री में ही आपके पैसे का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि उस पर पेनल्टी, मुकदमा लड़ने के खर्चे, मानसिक पीड़ा, इसके लिए भी आप ये सारी रिकवरी कर सकते हो। उसके लिए ये चैप्टर बना हुआ है, ये सेक्शन बने हुए। समझ में आया? इनमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये सबके समझ में आ गया? या कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया हो? अभी हमने चैप्टर के संबंध में चर्चा की थी, चैप्टर से अब हम एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे। अब ये भी मैं बता चुका इसे संविदा सदृश क्यों कहते हैं, संविदा से सृजित संबंध क्यों कहते हैं, अर्ध संविदा क्यों कहते हैं, वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है 2H+10 यहां लागू नहीं है, यहां कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी इसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया है। क्या समझ में आया? इसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया है। प्रश्न उठता है कि ये क्या लिखा हुआ होना जरूरी है? लिखित में होना जरूरी नहीं है, ये लिखित में होना जरूरी नहीं है। लिखोगे कहां, किससे लिखोगे, किससे लिखवाओगे? हाँ, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो इसी को ना साबित करना पड़ेगा, तुम ही ना साबित कर दो कि तुम्हारी इन्होंने हेल्प नहीं की थी। ठीक है ना? तो ये पैसे देने पड़ेंगे, देने ही पड़ते हैं। दरअसल इसमें सब में पास्ट कंसिडरेशन है। क्या है? पास्ट। देखो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, पास्ट में कुछ कर दिया है। क्या थी? दोबारा भी कंसिडरेशन 2D की डेफिनेशन के बाद देखिए, पास्ट में कुछ किया है, पास्ट में। तो जो पास्ट में कुछ किया है उसके लिए, इसने सहयोग किया पास्ट में, किसी को पढ़ने के लिए फीस दे दी पास्ट में, जो कुछ भी पास्ट में है वो सब देना पड़ेगा। अब कोई आदमी कहता है कि जी इंटेंशन तो था नहीं कि ये पैसे लेंगे। मान लो एक पिता पुत्र से कहता है बस नहीं आ रही, चालू एक मिनट, बात सबके समझ में आई कि नहीं? वो कहता है पिता तेरी पढ़ाई पे हमने बहुत पैसे खर्च किए थे, मजिस्ट्रेट बन गया, ये लिस्ट है इतने पैसे दे। बोले सब बाप करते हैं, नहीं दूंगा। बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है 18 वर्ष के बाद आपके लिए कुछ करे। आप पागल होते तो आपके पागलपन तक वो काम करता, पागलपन तक आप मेंटेनेंस मांग सकते थे CRPC की धारा 125 में, लेकिन आप 18 के हो गए हैं, किसी दायित्व के अधीन नहीं है। मान लो एक लड़का मजिस्ट्रेट बन गया
और पिताजी कहते हैं भाई तेरी बहन की शादी करनी थी, पैसे दे। बोले मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, तुम अपने आप देखो, मैंने थोड़ी पैदा की थी, तुमने की है। ऐसे भी लोग हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है सिलेक्शन हो गया उसका, लेकिन ना समझी तो किसी में भी आ सकती है। सिलेक्शन क्या है ये मत समझ लेना कि जो सेलेक्ट होने वाले होते हैं वो सारे समझदार होते हैं। कुछ भी समझदारी नहीं है, सिर्फ एक सिलेबस है उससे आतंकवादी रटे वो भी पास हो सकता है, एक सिलेबस है उसे चोर चक्का रट ले तो भी हो सकता है, गुंडा बदमाश रट ले तो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और बहुत सारे बदमाशों ने उस सिलेबस को, अच्छा इतना ही रटना रटना ही तो है, पक्का याद करना है। तो करते, तो मैंने कहा इसका एक सिविल सूट लाओ इसके खिलाफ। बोले जो जज है क्या कर लेंगे, अरे इसका सब होगा, और डबल बनाओ इसका जो भी बनाया है आपने, कितना कितना खर्चा हुआ। बोले ठीक। आया, चूंकि खुद को ही साबित करना था, बोले नहीं कुछ नहीं दिया, मैं तो अपने आप पढ़ पढ़ा के ऐसे पढ़ा। बोले कि प्रूफ तो कहाँ कहाँ पढ़ाया, कैसे कैसे लिया, पैसे कहाँ से आए, 18 साल से बाद में क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ऐसा है जज साहब, 10 लाख रुपए की डिक्री बना रहा हूं, या आप और बाप बेटे जाके समझौता कर लो जो करना, थोड़ी देर में वो वापस लो केस में, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैसे अभी जो आ रहा है वो सब दे दूंगा, ले लेना। सब दे दिया। ये क्या है, अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होने दिया जाएगा। जब तुम पैसे वाले हो गए तो हो गए, अब पिता कुछ नहीं करेगा, देने पड़ेंगे। वैसे तो हमारे यहां सोसाइटी में ऐसी व्यवस्था है कि माता पिता के प्रति हैं, माता पिता भाई बहन इनके प्रति हम 100% समर्पित होते हैं और होने चाहिए। माता पिता भाई बहन इनके प्रति आपकी 100% की लायबिलिटी बनती है, और जिसके साथ शादी करते हो उसके प्रति भी बनती है। आप ये नहीं कह सकते उनके प्रति अविश्वास नहीं कर सकते। बस अरे हैं सिलेक्शन हो जाएगा, अरे मैंने तो बहुत मेहनत करके सिलेक्शन लिया है, मेरे क्या लेना देना भाई से, तू अपना देख मैं अपना देखूंगा। नहीं भाई, तेरी पढ़ाई में उसका भी उतना ही हिस्सा है, हिस्सेदारी है, उसको भी उतना ही सहयोग कर, ठीक है ना। एक भाई ने अपने भाइयों को बहुत पढ़ाया लिखाया, भाई पैसे वाले हो गए, भाई बड़ा था, इस सबसे छोटा भाई उसका मजिस्ट्रेट भी बना, अभी मजिस्ट्रेट है, शायद वो 7 भाई हैं। बड़ा ही बड़ा भाई ने बहुत मेहनत करके सबको पढ़ाया, झोंपड़ी में रहते थे पढ़ाया, जब वो मजिस्ट्रेट बना तो उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी कहने लगी ऐसे कैसे सब। बोले नहीं भाई, हम पहले झोंपड़ी में रहते थे, भाई साहब ने सब कुछ ये किया और हमें। अब इस मामले पे तुम, अभी तो सगाई हुई है, तुम शादी ना करना चाहो तो तुम कहीं दूसरा व्यक्ति देख लो, मेरी जरूरत नहीं है। मेरे तो मेरे जस्टिप में, जो जस्टिप से मेरे पास पैसा आएगा, मैं मजिस्ट्रेट के तौर पर, उसमें उतना ही 6 भाइयों का हिस्सेदारी है। तुम्हारी, तुम शादी करके आ जाओगे अकेले, तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं हो जाएगी झट से, उन 6 भाइयों की उतनी हिस्सेदारी है। ये जो तनख्वाह आएगी ना उसके 7 हिस्से होंगे। अब लड़की घबरा गई, उन्होंने कहा ऐसे। बोले पूछ लो तभी करेंगे, हम नहीं करेंगे। और आज अभी हमारे पास अभी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो 5-7 महीने ही हुए हैं जज बने हुए, तो अभी तो झोंपड़ी झोंके तो ही है, झोंपड़ी में ही अभी रहना होता है, पक्का मकान तो है नहीं अभी, तो अभी तो कुछ है नहीं।
तुम सिर्फ मजिस्ट्रेट से शादी कर रही हो, मैं ऐसा ही होता तो शायद तुम मुझसे कोई शादी ना कर रही। उसने मुझे पूछा एक दिन, मैंने कहा तू इससे शादी मत कर। फिर मैंने कहा ये है नहीं इस लायक, परेशान करेगी बाद में। बहुत पैसे वाले हैं ये। अरे रहेगा, मैंने तेरे को क्या करना पैसे वालों से। तू आज सबसे ज्यादा पैसे वाला है, तेरे पीछे जाने कितने पैसे वाले चक्कर काटेंगे। की नहीं उसने, बाद में उसकी शादी बहुत ही अच्छी लड़की से हुई। नाउ कंप्लीट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है, सात भाइयों के भी बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता उनके बारे में, अब ज्यादा जानकारी नहीं। तो ये हमारे संस्कार हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। सोशलिज्म कुछ और थोड़ा ही है, सोशलिज्म यही है। एक आदमी घर में, आप देखोगे गांव की स्थितियां ऐसी रही हैं, पुरानी स्थितियां ऐसी रही हैं कि माँ बाप, जो गरीब माँ बाप होते थे, वो एक ही बेटे को पढ़ा पाते थे। एक बेटा या तो फौज में चला गया, या एक बेटा नौकरी लग गई, फिर वो बेटा सारे लोगों को सपोर्ट करता था, सबको। क्यों? उसका वो दायित्व था। और लगभग मैंने अपने गांव में भी देखा, सब जगह, कई जगह देखा, मैंने अपने परिवार में भी देखा, तो सभी जगह मैंने देखा ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट किया। फिर तो बच्चे हो जाते हैं, तब तो वो बड़े बड़े एक जने थे, सब चाचाओं के लिए, बुआओं के लिए, इनके लिए करते रहे आप, हमें क्या। तो बोले ना, चाचा बुआओं के लिए मेरा दायित्व तो था, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 68 है, जो कानून बनाने वाले थे वो जानते थे कि इस तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो उनके लिए ये कानून बने हुए हैं। समझ में आ गया अरविंद? पक्का ध्यान रखना है। ये देखो एक चीज और सुनाता हूं, हमारे यहाँ अपने राजस्थान हाईकोर्ट में एक हाईकोर्ट जज रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस बी.एस. दवे साहब। बी.एस. दवे साहब बहुत बड़े वकील थे। उनके फादर भी राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। उनके फादर, उनके दादा बूंदी रियासत के प्रधानमंत्री होते थे। रहने वाले तो वो लोग गुजरात के रहे होंगे, और फिर उन्होंने बेटे को पढ़ाया। जब जैसे यहाँ हाई कोर्ट बना, बाद में वो चीफ जस्टिस बने, बेटा भी हाई कोर्ट जज बने। उनके चैम्बर से एक व्यक्ति जो मुंशीगिरी करते थे, क्या करते थे? मुंशीगिरी करते हुए उन आदमी के दिमाग में आया एक दिन, कहा सर वो मैं LLB कर लूं? हाँ, बोले LLB कर। LLB करा दिया। LLB करा दिया तो मुंशी को थोड़ा सा और समझ में आया। पहले जो बस्ते उठा के, फाइल उठा के इधर से उधर रखना, कहीं से तारीख ले आना, लॉ पढ़ ली, बोले तेने LLB कर लिया, अब तू थोड़ा मुंशीगिरी की जगह वकालत शुरू कर। फिर वकालत शुरू कराई, वकील बने, वकील बन के फिर वो सरकारी वकील भी बने। सरकारी वकील बनने के बाद वो राजस्थान हाईकोर्ट में भी हाईकोर्ट जज बने। हाईकोर्ट जज बनने के बाद वो चीफ जस्टिस बने।
और चीफ जस्टिस बन के अभी रिटायर हो गए, जस्टिस रफीक, जस्टिस रफीक साहब। तो मुंशी से चीफ जस्टिस तक की यात्रा और जस्टिस दवे साहब के यहां से टॉप लेवल के अभी राजस्थान हाईकोर्ट में जो वकील हैं अधिकतर वहां से हैं, या कम से कम 10 से 15 हाईकोर्ट जज उनके ऑफिस से बने। उनकी दो बेटियां हैं, बेटी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। एक दिन उनका फोन आया मेरे पास, तो बोले मेरी क्या कर रहे हो, मिलने की इच्छा होती। मैंने कहा सर मैं आता हूँ, मैं गया 12 बजे। तो मेरे से कहने लगे वो, यार वो मेरे यहाँ एक बच्चा काम करता है। मैंने कहा अच्छा। वो कह रहा है कि वो दो भाई हैं और वो कह रहा है छोटा भाई ने अब की बार 12वीं कर लिया है, 12वीं कर लिया है, तो वो BLLB करना चाहता है, कहाँ करा जाए, आपके यहाँ भी आप भी चलाते हो। मैंने कहा चलाते हो, तो आप चलाते हो। तो उन्होंने चेक बुक काटी निकाली और खट से पूरी फीस मेरे से बोले पूरी 5 साल की इकट्ठी ले लो। मुझे पता नहीं, मैं 96 ईयर ओल्ड हूँ, पता नहीं कब। मैंने सर आप ऐसा मन सोचो, आप नहीं होगे क्योंकि आप इसे पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ाएंगे बाद में। बोले नहीं, इसके बड़े भाई की तो मैंने ये व्यवस्था कर दी है कि उसके नाम से 15 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। बाय द वे मेरे मरने के बाद पता नहीं कहाँ घूमता फिरेगा, इसे कहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो चाय पानी बनाने का काम, साफ सफाई का काम करता है, उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने इसके नाम से तो 15 लाख रुपए जमा करा दिए। अभी छोटा भाई ये बता रहा था, छोटा भाई भी पढ़ाना है, तो इसके मैं फीस दे देता हूँ। उन्होंने तत्काल फीस दी। मैंने कहा आप साल की साल दे देना। मैंने कहा इसका ये भी संभव है कि इस किस कैटेगरी में आता है। बोले मैंने तो नहीं पूछा किस कैटेगरी में आता है। मैंने कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं। बोले काम करते हुए तो 10-11 साल हो गए होंगे। तो मैंने पूछा नहीं उस, बोले मुझे क्या जरूरत आ रही किसी की जाति पूछना, धर्म पूछना, और कभी भी नहीं। फिर मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ, मैं आपको कोई ऐतराज ना हो तो। बोले नहीं पूछ लेते, स्कॉलरशिप मिल जाती। तो मैंने पूछा उसे, मैंने बेटा बच्चा, मैंने कहा बेटा किस कैटेगरी में आते हो आप। बोले हम तो मीणा हैं। तो मेरे से बोले मैंने तो आज आपके सामने ही, बच्चा बहुत बढ़िया है, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं कि भाई किस कैटेगरी में आता है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे शानदार लोग होते हैं। वो उनका बच्चा नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे की तरह ही, और अब मेरी बेटियों उन पर कोई कमी नहीं है। और बोले मेरे पिताजी ने एक लेटर लिखा कि मेरा बेटा, अकेले बेटे थे, मेरा बेटा इतना सक्षम बनेगा, वो अपने लेवल पर सब कुछ कर लेगा। वो जब चीफ जस्टिस बीमार हुए तो वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी, शिक्षा में इतनी बड़े भाई, इतनी मेरी बहन के बच्चों को दे देना, इतनी भाई को दे देना, इतनी, और मेरे बेटे के लिए जरूरत नहीं है, ये घर बहुत है, वो सब कर लेगा, उतना सक्षम बनेगा। और ये प्रॉपर्टी जो बच गई है वो सब शिक्षा पे लगा देना। तो वो शिक्षा के लिए खर्च करते हैं। और अपनी बच्चियों को भी कह दिया कि बेटा मेरे पिता ने ये बताया था तुम इतने सक्षम बने, मैं हाईकोर्ट जज बना, सक्षम बना, मेरी बेटियां भी ऐसे ही करेंगी। तो सोसाइटी में ऐसे देव पुरुष लोग भी हैं, ऐसे देव पुरुष लोग भी हैं सोसाइटी में, बहुत सारे लोगों का सहयोग करते हैं लोग। खैर 68 पढ़ लिया आपने, इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेना इसका 68 का, पढ़ लिया। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एक आदमी है ए, जिसने बी से उसका मकान लीज पे लिया, मकान लीज पे लिया, लेकिन इसने 5 साल से जो हाउस टैक्स है ना
वो नहीं जमा कराया। एक दिन नगर निगम के लोग आए, उन्होंने कहा भैया सील करवाए हम तो इसको। अब ले किसने रहा है? ए ने। ए हर महीने रेंट भी पे कर रहा है। अब वो करने आ गए सीस, बोले 5 लाख रुपया दो। उन्होंने कहा ठीक है जी 5 लाख रुपए ले लो, मेरा तो यहाँ पे धंधा चल रहा है। 5 लाख रुपया दे दिया। अब 5 लाख रुपया दे दिया, फिर नेक्स्ट में इसने किराया नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं काटूंगा 5 लाख रुपया। बोले कैसे काटेगा, मुझे को क्या लेना है, तुम क्यों भरा तुमने, मैं तो देना ही नहीं चाहता था। तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा 5 लाख रुपया? देना पड़ेगा। यही 69 है, उसमें बता रखा है कि जमींदार, जमींदार ने टैक्स जमा नहीं कराया है, जमींदार ने टैक्स जमा नहीं कराया था। तो जमींदार के जो और किसान थे वो सारी जमीन के जमींदारी खत्म कर रहे थे, तो टैक्स जो किसान थे उसने जमा करा दिया, भाई मेरा हिस्सा बचा रहे, तो वो जमींदार से वसूल करने का अधिकारी है। सबके समझ में आ गया कि ये? सेक्शन 70 पढ़ो, समझ में। देखो जैसे रोडवेज की जो बस है, बस आ रही है, एक लड़के ने इशारा किया, ऐसे इशारा करते हैं लिफ्ट मांगने वाला। अब ड्राइवर 10वीं पास, उसने गाड़ी रोडवेज की रोक ली, वो खट से जाके अंदर बैठ गया। अब गाड़ी चलने लगी, कंडक्टर आया, भाई साहब टिकट बनवाओ। उन्होंने कहा मैंने तो लिफ्ट मांगी थी। उन्होंने कहा बेवकूफ, लिफ्ट थोड़ी देने की गाड़ी है ये तो नॉन ग्रेसवस काम करती है, अनुग्रहित काम नहीं करती। कैसा काम करती है? नॉन ग्रेसवस, देने पड़ेंगे पैसे। मान लो किसी के घर में आग लग गई है, आग लग गई है, किसी दूसरे ने फोन कर दिया कि देखो हमारे पड़ोस में आग लग गई है, वहां से दमकल आ गई, दमकल ने आग बुझा दी, पानी डाल दिया। दस पांच दिन बाद ही एक लेटर आ गया कि 50,000 रुपये नगर निगम में जमा करा दो, क्योंकि उस दिन आपके घर में आग लगी थी और आग बुझाने वाली गाड़ी आई। कितने रुपए जमा करा दो? 50,000। कितने? तत्काल उसने रिप्लाई भेजा, मैंने बुलाया था कि आपको, क्यों आए थे? हमारे घर में समरसेबल लग रही है, हमने पाइप वाइप तैयार कर लिए थे, लगा लिए थे, हम पानी डाल रहे थे, तुम्हें क्या जरूरत थी? अब देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? मतलब ही नहीं है, तुम्हारे समरसेबल लग रहा था, आग लगी थी, हम बुझाने पहुंच गए, अब आपको पेमेंट देना पड़ेगा। फ्री में नहीं बुझाती है दमकल है, आग बुझाएंगी, आप मना करोगे तो भी बुझाएंगी, और पैसे भी देने पड़ेंगे, वसूल करेंगे। ये सेक्शन कौन सा है? 70। इसलिए दावा आ जाता है इससे सिविल कोर्ट का। समझ में आ गया? ये इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, सेक्शन 71 पढ़ लीजिए। पढ़ लिया 71, समझ में आया क्या? देखो क्या होता है कि जैसे ही मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, जब आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको देखा कि थैला पड़ा हुआ है, थैले से अलग निकल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन थैला पड़ा हुआ है, आपने देखा, देख तो लें क्या है, देखा खोल के तो पता लगा ये तो ज्वेलरी है, वो करीब करीब 1 किलो ज्वेलरी है। आपने खट से उठाया, घर लेके चल दिए,
घर लेके चल दिए। पता है सेक्शन 71 कहता है कि ये आप जैसे ही उठाया आप बेली हो गए, उपनिहिति का दायित्व तो आपके ऊपर आ गया। किसका? उपनिहिति का दायित्व तो आ गया। ये अब आपका दायित्व तो है कि उसके मालिक को उसे वापस करो। आगे उपनिहिति पढ़ाऊंगा। उसके मालिक को ढूंढने पर पैसा खर्च करो, और नहीं ढूंढता है तो उसके बावजूद उसको वो उन अथॉरिटीज को जमा करा दो, जैसे पुलिस या अन्य अथॉरिटी सरकारी एजेंसी, उनके पास जमा करा दो, वो माल आपका नहीं है। आदमी खुश हो जाता है, अरे यार फ्री का मिल गया। फ्री का है नहीं, उपनिहिति का दायित्व आ गया है। क्या आ गया है? और ध्यान रखना, मान लो देखा यार इसमें तो अंगूठी ये हुआ सब कुछ है, चलो इसके मालिक को वापस कर देंगे, देखते हैं अखबार में दे देंगे, चलो परसों तो अपने घर में शादी है, इसमें से चैन निकाली, अंगूठियां निकाली, पत्नी ने करधनी पहनी, हार पहना, थोड़े दिन में ही लगा क्या और क्या, पहनते ही एक अपराध हो गया, 3 साल की सजा है। कौन सा अपराध है? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो गया। क्या हो गया? कहां है ये? 403 में। और पास में एक आदमी मरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके पास उसका थैला पड़ा है, उठा लाए तो क्या हो गया? 404, मरे हुए व्यक्ति के कब्जे से किसी सामान को उठाना, मरे हुए व्यक्ति के तरी से किसी सामान को उतारना, अंगूठी उतारना, घड़ी उतारना, 404 का ऑफेंस है। मरा हुआ व्यक्ति मर गया है और देखा कि अब उसके मकान में कोई नहीं, उसके मकान में घुस गए, 404 का ऑफेंस है, आईपीसी की 404। पढ़ाई थी ना मैंने ये, और यहां 71 में क्या है, सिविल में बन गया। मान लो किसी के घर से वो उठा तो लाया, अब घर से उसने केयरलेसली रख दिया, वहां से लेकर कोई और चला गया, चोर लेके चले गए, आप लायबल हो जाएंगे। बेहतर क्या है? उठाओ ही मत, चाहे कुछ भी करोड़ों की पड़ी हो, अरबों की पड़ी हो। ये तो दुबई में देखा, कुछ भी पड़ा है, आप धर्म की गड्डी डाल दो और दूर बैठ जाओ, देखे कोई उठाएगा। यहां इंडियंस भी समझ जाते हैं वहां कि नहीं उठाना, क्योंकि एक तो सजा कड़ी है, वो तो सुन सुन के ही समझ जाते हैं, जो वहां रह रहे हैं उन्हें तो समझदारी है, वो सुन सुन के ही समझ जाते हैं कि वैसे करते नहीं कि ऐसे उठा लेंगे तो हाथ काट देंगे, किसी की तरफ आंख मारेंगे तो आंख फोड़ देंगे। तो जो इंडियंस जाते हैं ना, वो पहले ही भयभीत रहते हैं कि अच्छा ऐसा है। क्या है कि उन्होंने इंच इंच जगह को कैमरों से कैमरे लगा रखे हैं, वो कैमरे पता भी नहीं चलते कि यहां भी कैमरा है। अब देखो कितना ऑफेंस है, 0 ऑफेंस। अभी तो सुबह से शाम तक देखोगे तो प्रदेश भर में सैकड़ों FIR, हजारों FIR 10 होंगी आज की तारीख, रोज होती हैं, उनका डिस्पोजल ही नहीं हो पाता, इतनी होती। वहां ऑफेंस कैसा है? 0। और देखा खूब सोना लटक रहा है दुकानों पे, दुकानदार चल देता है नमाज पढ़ने, कोई ताला नहीं, कोई लेके दिखाओ। अब सोचोगे ऐसा देश हो सकता है?
कोई क्राइम नहीं। यहाँ आज हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, आज ये हो गए वो हो गए, विभिन्न देशों के लोग रहते हैं, कोई क्राइम नहीं। यहाँ लड़कियां महिलाएं सोचती हैं यार लेट अबेर चले गए तो क्या, वहां समुद्र के किनारे है, वो बीच है, तो बीच बहुत अच्छा बीच है, मतलब पानी में जैसे सिक्का डाल दो, मतलब गंदा पानी नहीं, बिल्कुल साफ, तो वो सिक्का आपको 2 मीटर नीचे भी दिखाई देगा, इतना साफ सफाई है। अब मजिस्ट्रेट बन जाओ जरूर जाना, घूम के आना। तो वहां पे जो फॉरनर्स जितने भी हैं, लेडीज जेंट्स, उनका अपना एक तरीका है, तो वहां धूप के लिए आते हैं कई, क्योंकि विटामिन डी की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां दिक्कत रहती है, तो वहां धूप के लिए उसके लिए आते हैं। तो मजाल क्या उन लड़कियों की, उनकी तरफ उनके अपने टाइप के कपड़े होते हैं, जैसे गोवा में भी इस तरह का, पर मैंने गोवा देखा नहीं, वहां कोई अपराध नहीं होता। हम वहां गए घूमने, किरण के कहाँ लेके आ गए, अरे तो मैंने कहा यहाँ का कल्चर है। तो वहां मेरा एक दोस्त रहता है, तो वो उसकी वाइफ थोड़ी एडवांस है, अरे भाभी क्या क्या सोचती हो। तो छोटा था आनंद, 2 ही साल का हुआ था, 1-2 दिन बाद, तो वहां एक रशियन बच्ची उसकी जगह, वो उसके साथ ही चल दी उससे गले मिल रहा है। अच्छा, बच्चों की अपनी भाषा होती है, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा देश हम और आप लोग सोचते हैं, काश ऐसे देश में हम सब लोग भी रहें। हाँ अभी क्या है कि बारिश होती नहीं, हुआ बारिश होती नहीं, तो वो बारिश क्या कृत्रिम बारिश कराई उन्होंने, वो कराते हैं, तो एक बार उन्होंने ज्यादा करा दी और ड्रेनेज सिस्टम लगाया नहीं कहीं से पानी निकालने का, पूरी दुबई पानी में लबालब हो गई, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो बारिश अपने हिसाब से कराते हैं, जब जरूरत होती है तब बारिश करा लेते हैं, ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है सारा वातावरण, वो खुद ही इंद्र बन जाते हैं, पहले था ना हमारा इंद्र भगवान कराएगा, तो वो केमिकल रिएक्शन से हो जाता है, कंडेंस हो जाती है सारी वायु और ऊपर पानी गिर जाता है। समुद्र के किनारे है तो वो ऊपर पानी तो होगा ही ज्यादा, वो कंडेंस कर दिया ज्यादा, उन्होंने ज्यादा फेंक दिया, सारी दुबई में पानी पानी भर गया, हवाई जहाज तक पानी में डूबे खड़े। तब समझ में आई कि अब ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना है। खैर, तो बात चली थी यहां से कि वहां कोई भी इस तरह कोई चीज नहीं उठाता, दूसरे की चीज उठाना से डरता है। अपने यहाँ पूरे दिन एक्सीडेंट होते हैं, बल्कि यहां से ज्यादा कार हैं, वहां नीचे की स्पीड लिखी हुई है, 60 से नीचे नहीं, 100 से नीचे नहीं, 125 से नीचे नहीं, तेज चलना है ज्यादा देर तक नहीं, भाई ठीक है कम करके तो आ सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं रेंग रेंग के चला रहे हो, आराम आराम से चालान कर देते हो, और चालान भी क्या है ऑटोमेटिक है, आप देखो किसी चौराहे पर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, पर आप क्रॉस कर गए तो भारी जुर्माना है, क्रॉस नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, जैसे वो कहेंगे आपकी गाड़ी गंदी है, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा आज आपकी गाड़ी गंदी है, आपसे आपके अकाउंट से 200 दिरहम काट लिए गए हैं, 200 दिरहम मतलब 5,000 रुपया। अच्छा देश है, खैर देश नहीं बल्कि एक शहर है, देश वेश कुछ नहीं, बिल्कुल डेजर्ट में इतनी समृद्धि। तो खैर 71 ये है कि बेली का उत्तरदायित्व आ जाता है, किसका उत्तरदायित्व आ जाता है, बेली का। अभी हम जैसे सेक्शन 148 है बेलमेंट का, वहां पर ये पढ़ेंगे
71 के साथ ही आपको ध्यान आ गया 148, 72 पढ़ लो, 72 समझ में आ गया। देखो कभी कभी क्या है, इसमें दो शब्द प्रयोग किए हैं 72 में, मिस्टेक एंड कॉर्सर, भूल एवं प्रपीड़न। प्रपीड़न पता है आपको, सेक्शन 15 में भारतीय दंड संहिता में परिभाषित कोई अपराध करना, करने की धमकी, करने का प्रयास से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, वो प्रपीड़न कहलाता है। तो ये कॉर्सन से या मिस्टेक से कोई पेमेंट हो गया है, जैसे एक बार क्या हुआ कि हमने कोई कॉलेज ले रखा था, एक यूनिवर्सिटी है यहाँ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से, उसका लॉ कॉलेज मेरे पास ही था, लेकिन मेरे क्या है कि उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए की बेईमानी कर रखी है, जो केस वेस चल रहा है उनके ऊपर, महाबेईमान लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे पहुंचता तो बापूनगर से 2-3 कार में हम सब लोग जाते, और वहीं डायनामिक मेडिटेशन करवाते थे हम सारे स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट करीब करीब 150-100 स्टूडेंट तो कॉलेज के होते थे, और 20-1 स्टूडेंट आरजेएस की जो तैयारी कर रहे थे हमारे यहाँ वो होते थे। तो हमने ये तय कर रखा था, क्योंकि डायनामिक का कोई संडे की छुट्टी तो होती नहीं थी, हम 6 से 7 डायनामिक करते और फटाफट 7:20-7:30 तक हम वापस आते, सब लोग नहाते धोते, 1 घंटा होता था, 8 बजे फिर क्लास में आना होता सबको, मुझे भी। तो ये हमने कर रखा था, संडे हमारी छुट्टी होती थी तो हम संडे सब लोग जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, तो वापसी में कहीं ना कहीं बैठ के चाय नाश्ता करते। वापसी में आ रहे तो जगतपुरा में चाय नाश्ता के लिए बैठ गए, बैठ गए तो हमने चाय नाश्ता किया। इस बात को 2-3 महीने निकल गए, 2-3 महीने निकल गए तो उस समय पेटीएम चलता था, तो मेरे को पेटीएम से ज्यादा, उस समय मैंने पेटीएम से पे किया उन स्टूडेंट्स के लिए, जो भी समोसे चाय नाश्ता जो किया। उसके बाद क्या है कि जवाहर कला केंद्र में एक प्रोग्राम लगा हुआ था, तो मुझे एक साड़ी पसंद आई, तो मैंने वो साड़ी परचेज करने के लिए मैंने कहा इसमें पेमेंट डाल देता हूँ, तो डाल दो उन्होंने कहा। मैंने डाला तो मैं ये भूल गया, तो जैसे खट खट दबाते हैं ना, दबाते खट से 4,000 रुपए उसके, तो जो पहले ट्रांजेक्शन किया था उसी के चले गए। अब मैंने कहा 4,000 रुपए तो चले गए, इसमें से कम भी हो गए। उन्होंने कहा भाई साहब आपने किसी दूसरे को कर दिया, मेरे पास नहीं आए। फिर मैंने भी गौर से देखा, मैं भी समझा, उन्होंने तो दूसरे के चले गए। फिर मेरे को उसका नंबर निकालना नहीं आया, तो एक लड़का था मेरा दोस्त, उससे कहा, मैंने कहा बोले ये वाला है कोई जगतपुरा में है, और ये तो कुछ चाय समोसे की दुकान है। अरे हाँ, मैंने कहा यार उसको पेमेंट किया था 2-3 महीने पहले। मैंने उसे फोन किया, भाई साहब मैंने कहा गलती से आपके 4,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। बोले मेरे अकाउंट में काहे के आ गए, कुछ नहीं आया मेरे अकाउंट में तो। अरे मैंने कहा फिर स्क्रीनशॉट भेजा, ये आ गए आपके, और ये गलती से हो गया, पहले हमने चाय नाश्ता किया। बोले कि नहीं, और आगे तो आगे मेरे अकाउंट में आए, ऐसे कोई देते हैं मैं तो नहीं दूंगा। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैंने कानून पढ़ाता हूँ, सेक्शन 72 नहीं पढ़ा तुमने अभी, ये पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे, भूल से पहुंच गए हैं। कई बार देखा नहीं कि किसी के खाते में गलती से पता लग रहा है 1 करोड़ रुपए आ गए, तो वो उसके हो गए क्या? उसके नहीं हुए, उसके लिए बना रखा था, पहले ही एक्ट में बना हुआ सेक्शन 72। कैसे आए वो? मिस्टेक से।
मेरे कोई मिलने वाले थे, मित्र हैं मेरे, उनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आ गया। वो अपना गेहूं बेचने गए, तो गेहूं बेचने गए तो अड़तिया के यहां से 1.5 लाख रुपए एक बार आ गया, फिर 1.5 लाख रुपए और फिर दोबारा डाल दिए उसने। बोले जी 2 बार आ गए, अड़तिया नहीं सरकार से, बैंक से जो सरकार क्रय करती है ना, तो उसमें उनकी गेहूं की ट्रॉली एक बार 1.5 लाख आ गए जो पेमेंट आना था एक्चुअल, फिर 1.5 लाख रुपए और आगे 3-4-10 दिन बाद। तो उन्होंने क्या वो 1.5 लाख पहले खर्च कर लिए, वो 1.5 लाख में से भी उन्होंने खर्च कर लिए। तो हम यहाँ आए हुए थे जयपुर, बड़े खुशी खुशी मुझे बता, अरे अब की बार तो क्या हुआ, 1.5 लाख रुपए आए, फिर 1.5 लाख आ गया हमें सरकार से। तो मैंने कहा वो तुम्हारे? नहीं, मैंने तो खर्च कर लिए। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा कल जमा करा देना, जाते वो तुम्हारे पैसे नहीं है, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। एक मुकदमा तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का होगा, तुम लोग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आओगे, दूसरा पैसे तो देने ही पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 72 ये कहता है कि मिस्टेक से आ गए आपके, और कल ही जाके एप्लीकेशन देना जिससे कि वो क्रिमिनल मुकदमा दर्ज ना कराएं। फिर वो बैंक में गए, SBI बैंक में, ऐसे ऐसे पैसे आ गए, बैंक वालों देखो, अरे हाँ यार, बोले कोई नहीं भाई साहब, बोले खर्च तो नहीं किए, बोले नहीं नहीं खर्च नहीं किए, उसको पहले डलवा के बताने गए, पहले डाल दिया उन्होंने और डलवाने के बाद फिर बताने गए कि नहीं खर्च नहीं किए। बोले हाँ ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक प्रशस्ति पत्र और उन्होंने दिया कि ये बहुत अच्छे आदमी है, बता दिया। ठीक है ना, तो ये सेक्शन 72 है। अब आती है कॉर्जन से, ये रेलवे वाला एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। तो मान लो कॉर्जन से कर लिया आपने, डरा धमका के पैसे ले लिए, डरा धमका के पैसे डलवा दिए, इतने पैसे, ये पेनल्टी लगे, ये आपने पे कर दिया, तो वो वापस देने पड़ेंगे, आपके नहीं है वो। समझ में आया 72? हाँ वो भी कॉर्जन नहीं है, केस कर सकते हैं यार, वो गलत तरीके से लिया हुआ है। एक बार मेरे आया तो चालान आया 1,000 रुपये का। मैंने कहा यार गाड़ी तो हमारी है, चालान 1,000 रुपये का, अच्छा फोटो सहित देते हैं वो। उसने कहा सीकर से जयपुर, यार सीकर से जयपुर तो मैं कब गया था, मैं भूल गया, मैं गया तो था 4-5-6 महीने पहले, मैंने हमारा स्टूडेंट यहीं पढ़ता था, RJS तैयारी कर रहा था, इसमें है ट्रैफिक पुलिस में। मैंने कहा यार अबरार देख तो, ये तो मेरे पास गलत चालान आ गया, अब मैं कह रहा हूँ उसे गलत चालान आ गया। बोले सर देख के बताता हूँ मैं। तो उसने चेक किया, चेक किया तो बोले सर आप सीकर से 3 तारीख को आ रहे थे। अरे हाँ यार, मैंने कहा सीकर गया था 3 तारीख को, और आपकी स्पीड 120 चल रही थी, और वहां 100 की ही स्पीड थी, आप 120 पे चल रहे थे, 1,000 रुपये का चालान है। तो मैंने कहा ये तो उस पर डाल दिया है, नेशनल एक ग्रिड बनी हुई है उस पर डाल दिया। तो मैंने कहा फिर इसका क्या हुआ, ये तो देना पड़ेगा, कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा तू जमा कर दे, तेरे को मेरे को जमा करना नहीं आता, मैं तेरे को फोन पे कर देता हूँ। बोले हाँ ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। तो वो एक्चुअली था, आजकल क्या फोटो भेजते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट आ रही है, फोटो खींच देते हैं, कैमरे से होता है चालान, वो अननेसेसरी नहीं लिया हुआ, कॉर्जन नहीं किया उन्होंने। समझ में आ गया 72? देखो 73, 74, 75 ये तीन सेक्शन है।
ये रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है ये? रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी है ये क्वेश्चन। खुद ही मैंने अनजस्ट एनरिचमेंट जो लिख रखा है, कई बार आया है कि अनजस्ट एनरिचमेंट का सिद्धांत कहाँ दिया हुआ है। संविदा भंग के उपचार रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रेमेडी है, थोड़ा सा आगे इसमें सर चलते हैं। तो उससे पहले पहली बात तो सेक्शन 73 से 73, 74 और 75, ये तीन सेक्शंस में रेमेडी दी हुई है। कुछ चीजें थोड़ी सी पहले समझ लो, फिर हम आगे चलेंगे। देखो जैसे सबसे पहले ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, संविदा भंग है क्या? देखो दो पार्टी हैं, प्रोमिजर प्रोमिजी, ऐसे इन पार्टीज को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे उपनिधान की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक का नाम बेलर और एक का नाम बेली, उपनिधाता उपनिहिती, है ना? तो इस तरह अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप मॉर्गेज में गए थे, मॉर्गेजर मॉर्गेजी, हर जगह अलग अलग। लीज में गए थे, लेजर और लेसी। ऐसे ही यहां पे दो पार्टी हैं। तो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक तरह से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बजाय एग्रीमेंट की डेफिनेशन में जाना चाहिए, क्योंकि सीट तो एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ ये बताता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दे रखी है ना, कि एग्रीमेंट कौन से वाले एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल वालों का एक नाम रख दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। अल्टीमेटली चीज तो क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट की जब डेफिनेशन में गए तो वहां पर क्या थी कि प्रोमिसेस को कंसीडरेशन में परिवर्तित करना, मतलब एक दूसरे को जो प्रोमिसेस दे रहे थे वो जो कंसीडरेशन में परिवर्तित हो रही थी, वही तो एग्रीमेंट है। तो जब आपके द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ, जिसमें आपने कुछ प्रॉमिसेस दी, उन प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर रहे हो, क्या क्या समझ में आया? कि प्रॉमिसेस विच आर गिवन टू ईच अदर आर नॉट फुलफिल्ड, इट मींस इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक दूसरे को जो वचन दिए गए हैं उनकी पालना नहीं हो रही है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आई क्या बात? तो शब्द तो समझ में आ गया, एक तरह से पार्टीज के द्वारा अपने वचनों का पालन न करना, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ कभी कभी मान लो वचन पालन करने से कोई आदमी कर ही ना पा रहा हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कर ही ना पा रहा हो, दोनों बात समझ रहे हो, कर नहीं रहा है, बात दोनों समझ में आएगी क्या? देखो दोनों बातों को फिर तो गौर से समझिएगा। कल मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीच बताया था आपको सेक्शन 39 में, है ना? एक तो वचन पालन न करना, एक बात, वचन पालन करने से अपने को अयोग्य बनाना, मेक हिमसेल्फ डिसक्वालिफाइड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी बात, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि वचन पालन हो ही नहीं पा रहा है, एक तरह से सीज टू बी एनफोर्सेबल। जैसे सेक्शन 2J की पढ़ी थी ना, कि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, उस स्थिति बन गई ऐसी
तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जहां स्थिति ऐसी बन जाए वहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे सेक्शन 55 पढ़ा था ना कल, समय मर्मभूत, तो उसमें तीन बातें पड़ी थी कि कभी समय मर्मभूत है तो दूसरी पार्टी को यह राइट है कि वो ब्रीच कर दे। दूसरी पार्टी ने फिर ब्रीच करने के बाद समाप्त कर दे। ब्रीच करना समाप्त करना अलग अलग बात है। समाप्त कर दे, ठीक है ना। तो चीजें शब्द अलग हैं, उन शब्दों को समझना है। यहां पर क्या है, वचन का पालन न करना या अपने को वचन पालन से अयोग्य बना लेना, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। दूसरी बात, जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो दो चीजों को देना पड़ेगा। एक तो संविदा से होने वाली नुकसानी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एक ए व्यक्ति है, इसने क्या किया कि 500 बोरी गेहूं तय की बी से, और रेट भी कह दिया भाई 800 रुपये, सॉरी 1800 रुपया क्विंटल हो गया, 1800 रुपये क्विंटल की बात हो गई। अब क्या है कि सरकार ने देखा महंगाई बढ़ रही है तो इसने बाहर से मंगा लिया, तो बाहर से मंगा लिया तो रेट बाजार में हो गए 1500। तो इसने जो तय किया था, जिसमें एग्रीमेंट हुआ था, वो तो इसने लिया नहीं, ये नहीं लिए, बल्कि इसने 1500 की रेट में जो गेहूं बाजार में अवेलेबल था वो ले लिया। इसको अपना गेहूं बाजार में 1500 में ही बेचना पड़ा, तो इसको क्या नुकसान हुआ, 300 रुपया क्विंटल, कितने रुपया, 300 रुपये क्विंटल का नुकसान हुआ। तो एक तरह से क्या समझ में आया कि एक वैल्यू थी कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू, तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू तो 1800 रुपये क्विंटल थी, और उस समय मार्केट की स्थिति क्या थी, 1500। तो इसमें जब नुकसानी को निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का अंतर, कौन सा वैल्यू, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का अंतर। जिस पार्टी ने, जिस पक्ष ने संविदा भंग की है वह उत्तरदायी हो जाता है। जो भी पार्टी ऐसी संविदा का भंग करे, ठीक है। अब देखो, नुकसानी दो तरह की होती हैं। एक नुकसानी तो ऐसी होती है पहले से ही तय कर लिया आपने, उसे पर निर्धारित नुकसानी बोलते हैं। जैसे कि भाई तुम मेरे लिए ये घर बना रहे हो और घर आपको एक वर्ष में पूरा करना है, बोले पहले देख लो एक वर्ष में पूरा कर पाओगे या नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम आपके ये घर को एक वर्ष में पूरा कर देंगे, बना के दे देंगे आप। तो बोले भाई देख ऐसा है, पूरा नहीं किया ना, एग्रीमेंट में लिख देते हैं हर रोज के, हर महीने के 10,000 रुपये आपके ऊपर चढ़ जाएंगे पूरा नहीं करने पर। बोले ठीक है 10,000 रुपये पर मंथ। 6 महीने लेट मिला मकान तो 60,000 रुपया इसके ऊपर चढ़ गया। तो जो पैसा ए द्वारा बी को दिया जाना है, मान लो 10 लाख, तो एक तरह से 60,000 रुपये कम हो जाएगा, 9,40,000 ही देने, 10,000 रुपये। ये क्या है, पर निर्धारित नुकसान है।
मतलब जो नुकसान होगा हमने पहले से ही तय कर रखा है। एक होता है कि जहां आपने पार्टीज ने कोई तय नहीं किया कितनी नुकसान देनी है, पार्टीज ने कुछ नहीं तय किया, जब पार्टीज तय नहीं करती हैं तो उसमें एक्ट लागू होगा। एक्ट में क्या प्रोविजन है वो लागू हो जाएंगे एक्ट के। यदि पार्टीज ने पहले ही तय कर लिया है तो बात अलग है। फिर प्रश्न आता है कि क्या जो कभी कभी मानसिक पीड़ा होती है या समस्या आती है उसके लिए भी इस तरह की नुकसानी दी जा सकती है इस तरह के? हाँ, उस तरह के लिए भी पैसा देना होगा जब यदि इस तरह की कोई नुकसानी, लेकिन एक्ट में नहीं लिखा हुआ, एक इलस्ट्रेशन आएगा इसमें, उस इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में मानसिक पीड़ा के लिए भी हर्जाना ले सकते हैं। अब आप इन सेक्शंस को, एक एक सेक्शंस को पढ़ो, इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। 73, सबसे पहले 73 पढ़ लियो। देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय पार्टीज ये जानती हो कि व्हाट शैल बी इट्स कॉन्सिक्वेंस, व्हाट शैल बी इट्स इफेक्ट एंड रिजल्ट्स, तो वो नुकसानी उन्हें देनी पड़ेगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक आदमी ने तय कितने किया, 1800 रुपए में, और ये जानता था यार इसने, मैंने ये नहीं लिए और बाजार में मार्केट में माल सस्ता हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे दे, इसे नुकसान होगा, ये जानता था। मान लो बाजार में हाई हो गया और ये हो जाता 2100 रुपए या 5000 रुपए या जो भी क्विंटल, और ये फिर कहता नहीं मैं तो मार्केट में बेचूंगा, मैं 1800 में नहीं कर रहा, तो इसको भी तो यही राइट था। तो जो जानते थे, पहले पैराग्राफ में क्या दे रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या हो गई, एक तरह की नुकसानी। पहला पैराग्राफ समझ में आया क्या? देखो, डायरेक्ट के संबंध में एक बात समझ लीजिए, पता नहीं आप पहले से समझते हैं या नहीं। डायरेक्ट के संबंध में एक बात आप सब लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी डायरेक्ट पढ़ना होता ना तो थ्राइस, तीन बार, कितने बार, तीन बार, तीन बार पढ़ते हो तो एक ही गिना जाता है। डायरेक्ट के संबंध में हमेशा ये बात है, कई स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट एक बार पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया उन्हें, अरे पढ़ाई नहीं, एक बार का टाइम क्यों खराब किया, हमेशा डायरेक्ट तीन बार पढ़ना पड़ता है तब एक गिना जाता है। और मैंने कितने बार पढ़ा हुआ अभी तक, ये कम से कम 300 से 400 बार, कितने बार, कितने बार पढ़ा होगा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तभी तो मुझे पता होते हैं, शब्द तक भी पता होते हैं, आपको भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। फिर कोई सिलेक्शन थोड़ी रुकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पर कमांड बना लो, डायरेक्ट समझ में आ गया, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, किसी का भी होगा। उसका भी हो जाएगा जो महादुष्ट हो, जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता हो, उसका भी हो जाएगा। महाबेईमान हो, कंडक्ट कितना ही खराब हो, उसका भी हो जाएगा, मतलब ही नहीं है ना उससे, किसी का भी हो जाएगा। माइंड तो मशीन है एक टाइप की, जो जितने बार रिपीट करेगा वो उतना ही पक्का हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा।
जैसे बच्चे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं, वहां वो कभी भी नहीं सिखाते इस बेरेक को इस तरह इतने बार पढ़ना होगा। वो तो एक स्टाइलिश लेक्चर देके निकल जाते हैं। कंपटीशन में ये मतलब इस लेवल पर किसी ने बेरेक पढ़ रखा है ना, ये भी है कि किसी ने सिर्फ बेरक इस लेवल पर पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, मजिस्ट्रेट बन जाएगा। दूसरी चीजें भी रिक्वायर्ड हैं। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि ऊपर की रैंक में आने के लिए, मान लो आप सोचते हो यार टॉप 10 में आए, जिंदगी में अच्छे प्रमोशन जल्दी होंगे। अब जैसे 222 का बैच है, इस बैच की स्थिति ये होनी है, एक आदमी नीचे वाले जो है ना लास्ट के 50 55 लोग, वो पता लग रहा है कि मजिस्ट्रेट ही बने हैं और ऊपर के टॉप वाले एडीजे हो गए, क्योंकि बैच साइज बहुत बड़ा है। बैच साइज तो रैंक भी तो अच्छी आनी चाहिए, सिलेक्शन ही नहीं, बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये वाली मेरिट ही जाती है वहां। बैच का साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रमोशन तो यूं है ना, ऊपर नीचे के लेवल पे मजिस्ट्रेट्स हैं, एसीजेएम और कम हो गए, सीजेएम और कम हो गए, एडीजे और कम हो गए, डिस्ट्रिक्ट जज और कम हो गए, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और कम हो गए। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज 35 ही तो हैं। तो प्रमोशन तो इसी रूप, तीन चार चीजें देखते हो, मेरिट लिस्ट फर्स्ट, आपका काम, कितने गलत डिसीजन दिए हैं 3 साल के, गलत डिसीजंस के आधार पर कितने गलत कितने सही, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं दिए, नियम बने हुए हैं ये सब। खैर अभी इनकी जरूरत नहीं है, 2010 के रूल्स पढ़ लेना जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो। पहले ये 2010 के रूल्स वगैरह ये सब डाल दिए थे एक बार तो उन्होंने, इसलिए हमें पढ़ने पड़े। पढ़ लिया पैराग्राफ पहला, आगे समझ सेकंड पैराग्राफ। सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाई रीजन ऑफ ब्रीच। ये जो लाइन है ना, इसमें केस आया, जब मैं इन दो लाइनों को पढ़ता हूं सेक्शन 73 की, तो इंटरव्यू का वो दिन याद आता है जब उन्होंने पूछा, हेड वर्सेस वैक्सेंडेल के केस पढ़ा है क्या? मैंने कहा सर पढ़ा है। इसी पे आधारित है, रिमोटनेस पे। किस पे? रिमोटनेस। सिंपली समझो क्या है, एक बार एक लड़का था अहमदाबाद से चला, कहां से, तो ये आईसीएस का इंटरव्यू दे रहा था, इंडियन सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने गया। तो इसने रात को गाड़ी पकड़ी और सोचा सुबह तक पहुंच जाएंगे, और इंटरव्यू सेकंड स्टेज में है तो 3 बजे के आसपास अपना इंटरव्यू होगा, चले जाएंगे। ये ट्रेन क्या खराब हो गई रास्ते में, खराब हो गई तो ये पहुंची नहीं, रात में खराब हुई वो तो सो गया, कोई व्यवस्था नहीं थी कि यहां तक पहुंच सके, इंटरव्यू का टाइम निकल गया, एब्सेंट लगाते हुए इंटरव्यू हो गया, लास्ट डे था इंटरव्यू का, उसी दिन रिजल्ट घोषित हो गया, पहुंचा ही नहीं। इसने क्या रेलवे के ऊपर केस किया, रेलवे के ऊपर केस किया तो रेलवे ने अपने रिप्लाई में, रेलवे ने बड़ा पैसा मांगा इसने, कि मैं आईएएस हो जाता तो मेरे को इतनी तनख्वाह मिलती, मेरी शादी होती तो 1 करोड़ रुपए शादी में भी मिलते, ये सब पैसे मांगे।
रेलवे ने क्या किया, रिप्लाई में कोर्ट में वकील गया उसका और साथ में 134 रुपए लेके गया। उन्होंने कहा सर इन्होंने 134 की एक टिकट खरीदी थी, वो पैसे हम इनको देने के लिए तैयार है। बोले मैं तो नहीं ले रहा 134, मेरे तो 1,34,00,000 बने। बोले नहीं मिलेंगे। क्यों? सेक्शन 73 ने मना कर दिया, जो डायरेक्ट है ना उन्हीं के लिए मिलेगा, रिमोटेड लॉस के लिए कुछ नहीं मिलेगा। क्या समझ में आया? रिमोटेड लॉस के लिए, डायरेक्ट तो आपको 134 रुपए का नुकसान हुआ। इसी पे केस था और जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आप लोगों के नोट्स में लिखा हुआ है, हेडले वर्सेस वैक्सेंडेल। ये जो केस है इसमें ये था, एक आदमी ए था जिसकी एक फैक्ट्री थी कपड़े की, और इसमें एक कंपनी थी, वो फैक्ट्री में एक वो मशीन लगी हुई थी और मशीन की क्रैंक शाफ्ट, क्या चीज, क्रैंक शाफ्ट जिससे वो इंजन चलता है, मशीन चलती थी, वो खराब हो गई थी। उसने बी से, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, बी से संपर्क किया। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो थी बी, उससे संपर्क किया, उन्होंने कहा आपको हमारी क्रैंकशाफ्ट वहां लेकर जानी है और सही करा के लानी है। तो ड्राइवर लेकर गया, ड्राइवर लेके गया, रास्ते में इसने टाइम लगाया, टाइम पे नहीं पहुंचा। कई दिन बाद दोबारा वापस आया और तब तक सही होके आ गई थी। तो डिले हो गया, उसके लिए इसने, कंपनी वाले ने, फैक्ट्री वाले ने इसके ऊपर केस किया। उन्होंने कहा डिले की वजह से हमारी आप फैक्ट्री इतने दिन तक बंद रही, दूसरी उस डिले की वजह से फैक्ट्री बंद रही, और इस समय चूंकि कपड़े में तेजी आई हुई है, हमारी कपड़े बनाने की मशीन नहीं चल पाई, कपड़े में तेजी आनी है, उस तेजी से मुझे ये मुनाफा मिलता, ये मैं मुनाफा नहीं कमा पाया। तो कोर्ट ने कहा आपको डायरेक्ट लॉस क्या हुआ, जो डायरेक्ट लॉस हुआ है केवल उसी के लिए नुकसानी मिलेगी, रिमोटनेस के लिए कोई नुकसानी, जो दूरस्थ नुकसान हुए हैं उनके लिए कोई नुकसानी नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 73 का सेकंड पैराग्राफ, कौन सा सेकंड पैराग्राफ, मना करता है। दोबारा पढ़ लो सेकंड पैराग्राफ, पढ़िए। देखो अभी आपको मैंने बताया था कि ऑब्लिगेशन रिजेम्बल्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, अभी लिखा था ना संविदा सदृश, संविदा से उत्पन्न होने वाले, मतलब रिजेम्बलिंग मतलब उस जैसे ही है। तो 68 से लेकर 72 तक के, कौन से 68 से लेकर 72 तक के जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका, वो भी इसमें आते हैं 73 में। तो 73 के देखो तीन पैराग्राफ, पहला तो उसमें था कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, दूसरा था रिमोटनेस, और तीसरा क्या है, का है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 73 के थर्ड पैराग्राफ में दिया हुआ है। इनके बारे में विद पैराग्राफ भी पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चूंकि ये बात आज सारी की सारी मैंने अभी आपको बता दी थी, तो मुझे नहीं लगता
और इन पर डिस्कशन करने की कोई जरूरत है? एक्सप्लेनेशन भी देख लो, एक शब्द है इसमें, संविदा से, संविदा भंग से अपाल या संविदा के अपालन से हुई असुविधा, जो इनकन्वीनियंस हुई है ना, जब भी डैमेज बनाते हैं तो इनकन्वीनियंस कितनी हुई, क्या चीज, इनकन्वीनियंस, परेशान रहना, यार परेशान तो रहे ना इसमें, तो परेशान कितने रहे उसके लिए भी कहते ना मानसिक पीड़ा हुई। आपने जैसे आपने सिर्फ, तब तो कोई आदमी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से कतराएगा नहीं, यदि स्पष्टीकरण को हटा दिया जाए, उन्होंने कहा उतना ही तो लेगा, ले लेगा, लेकिन पता क्या कर दिया, जो असुविधा हुई है असुविधा के लिए भी नुकसानी देनी पड़ेगी। अब असुविधा कितनी हुई कैसे पता चलेगा, तो आपने सेक्शन 12 पढ़ा था ना एविडेंस एक्ट का, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 12 कि न्यायालय को समर्थ करने वाले, न्यायालय को नुकसानी देने के लिए समर्थ करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, फैक्ट्स विच आर इनेबलिंग टू द कोर्ट टू डिटरमाइन द डैमेजेस, टू डिटरमाइन द डैमेजेस, वो रेलेवेंट होते हैं। तो उस समय नुकसानी में ये तय भी करना पड़ेगा साहब इतनी असुविधा हुई, तो इनकन्वीनियंस के लिए भी स्पष्टीकरण बता रहा है। तो सेक्शन 73 में चार बातें आ गई अलग अलग, पहली कॉन्ट्रेक्चुअल और मार्केट, दूसरी रिमोटनेस, तीसरी क्वासी, और चौथी इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस तो इनका क्वेश्चन आ रखा है ऑब्जेक्टिव में कि क्या इनकन्वीनियंस के लिए भी, इनकन्वीनियंस के लिए भी डैमेज मांग सकते हैं, तो 73 का स्पष्टीकरण है, कौन सा है, 73 का स्पष्टीकरण में दिया हुआ है। अब देखो इसमें इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, आप सारे इलस्ट्रेशन देखना इसके, अब इलस्ट्रेशन बहुत है, लाइन लग रही है, इलस्ट्रेशन ही कानून है। पहला इलस्ट्रेशन देखो, कौन तेजी से पढ़ो, कौन पढ़ेगा, जिसकी आवाज तेज किसकी है, किनकी, तेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, तेरी आवाज तेज है क्या है? सारी क्लास तेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है, ये महावीर भी तेरी तरफ ही कर रहा है, चल पढ़, तू ही पढ़, जोर से पढ़ना। अरे भाई पहले एक बार में एक ही तो पढ़ेंगे, सभी कैसे पढ़ेगा, ऐसा पढ़ के बता, सभी पढ़, एक बार में एक ही तो पढ़ेगा। देखो मैंने आपको गेहूं का उदाहरण दिया, इसने सोरा का दिया, सोरा कुछ और नहीं, नमक की तरह बना हुआ एक विस्फोटक सामग्री होती थी, समय समय पर, देखो समय समय पर, क्योंकि उस समय अंग्रेज इसी का व्यापार करते थे, सोरा देते थे, सोरा बेचते थे, सोरा इसलिए बेचते थे कि छोटे छोटे राजा होते थे वो सब लड़ते थे, और लड़ने के लिए विस्फोटक की जरूरत पड़ती थी, तो विस्फोटक के लिए सोरा ही बेच रहे थे, उन्होंने सोरा का ही एग्जाम्पल बना दिया। जैसे आज आप आरजेएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो आज हड़प्पा युग होता तो आप क्या बनने की कोशिश कर रहे होते, सोचते थे लोहार बन जाए, मतलब लोहार उस समय का इंजीनियर, लोहार का मतलब है उस समय का इंजीनियर, क्योंकि गोल पहिया बनाता, फावड़ा बनाता, उस समय जो छोटे छोटे
तो समय के अनुसार सारी जॉब्स बदल जाती हैं। आजकल क्या जॉब आने लग गई, किसी ने सोचा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब सॉफ्टवेयर तो समझते हैं ना क्या, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो समझ में आ रही है, छू के देख सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स हैं, और वो प्रोग्राम काहे से बने हैं? डिजिट से, अंक से। किस चीज से बने? सब अंकीय पद्धति काम कर रही है। डिजिटल बोलते हैं ना, डिजिटल। डिजिटल का मतलब अंक, अंकीय। और अंक भी कितने? केवल दो, वन और जीरो, वन और जीरो। उसमें सब चल रहा है। तो जो प्रोग्रामिंग है, जो इस तरह कभी कभी देखा नीचे कोई लिंक आया है तो उसमें बहुत सारे चिन्ह से बने रहते हैं, वो प्रोग्रामिंग के हैं। तो आज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, क्योंकि इक्विपमेंट बदल गए। उस समय गाड़ी थी, बैलगाड़ी सबसे बड़ा इक्विपमेंट वाहन था, उसका इंजीनियर बनना चाहता आदमी। आज क्या बनना चाह रहा है? एक टाइम में हो सकता है कि जज छोटा हो जाए, कोई और चीज बड़ी हो जाए। एक आदमी सोचे, कैसा जी बता, तेरे को एमपी बनना है या मजिस्ट्रेट बनना है? तो वो तत्काल कहेगा, नहीं, एमपी बनना है, मजिस्ट्रेट नहीं बनना। ठीक है ना? क्योंकि वो देखता है यार, जज भी इस्तीफा दे के एमपी बनना चाहते हैं। अभी देखा ना, पश्चिम बंगाल का एक एमपी, वो जज एमपी का चुनाव लड़ रहा है, हाईकोर्ट जज एमपी का चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, लिख तो दिया कि किसी भी लाभ के पद पे नहीं रहेंगे, लेकिन अंबेडकर ये भूल गए थे कि आने वाले टाइम में ऐसे लोग भी आएंगे जो जुडिशरी के लोग होंगे, और वो लाभ के पदों के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न लाभों के पदों पर जाएंगे। अन्यथा तो ये तय कर दिया जाए ना कि भाई जुडिशियल अफसर हो, जिस दिन रिटायर हो गए उस दिन के बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। बाद में पता क्या करते हैं सारे जुडिशियल अफसर? सरकार के पक्ष में जजमेंट देते रहते हैं। क्यों? बाद में उन्हें लगता है कि किसी आयोग में लग जाएंगे, किसी कहीं लग जाएंगे, कहीं सेटिंग। पहले तो सही सही रहते हैं, और बाद में नेताओं को चक्कर काटते हैं, जबकि उसमें कुछ मिलता नहीं है। जैसे अभी एक डिस्ट्रिक्ट जज है मेरे परिचित, उन्होंने एक जगह ज्वाइन किया। मैंने कहा, तुम्हें फायदा क्या बताओ? बोले, करें भी क्या। मैंने कहा, आपको 2.5 लाख रुपया पेंशन मिल रही है। कितनी? अभी 2.5 लाख रुपये पेंशन है, ढाई और पर लाभों से 3 लाख रुपये मिलती है। अब जो आदमी सोचता हो यार, 3 लाख रुपए पेंशन, 2.5 लाख रुपए पेंशन, ये तो बड़ा भारी मामला है। 2.5 लाख रुपए पेंशन तो बड़ा, नीचे बादू जी नीचे बैठो आप। भादू जी आप केबिन में बैठो, मैं आता हूं क्लास के बाद। ये बीकानेर से आए हैं, मेरे परिचित हैं। अपने बेटे को प्रिंसिपल हैं शायद ये, अपने बेटे को LLB फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराने। तुम सब लोगों को भी एक एक एडमिशन तो कराना चाहिए, कम से कम ये तो करना चाहिए, और कराते नहीं हो आप लोग। इतने सारे जान पहचान वाले लोग होंगे, क्या हम आपको अच्छा नहीं पढ़ाते? तब तो फिर कराओ। तेरा हो गया क्या LLM में एडमिशन? तो सीटी खत्म हो जाएगी, फिर क्या लेगा? 60 ही है। नहीं, इसका कर लेंगे ये तो। खैर, हमारे मेरे एक मित्र हैं,
उनके साधु जी के बच्चा है, मित्र इसके मौसा जी वो है, यहाँ हाईकोर्ट में उपाध्यक्ष हैं, हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। LLM तो स्टूडेंट जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए करके रख लेते हैं, उसके पीछे कारण है, 3 इंक्रीमेंट एडिशनल मिलते हैं जिसके पास भी LLM है। ये तब समझ में आती है जैसे सिलेक्शन हो गया, अरे यार अब 3 इंक्रीमेंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जो LLM किया हुआ होता है उसे 3 इंक्रीमेंट ज्यादा मिलते हैं, जो नहीं किया होता इसलिए LLM स्टूडेंट करते हैं। टाइम नहीं है सेलेक्ट होने के बाद, तो मैं कहाँ टाइम मिलेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 4-5 महीने में चले जाऊंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 4-5 महीने बाद चले जाओगे मैक्सिमम, मेडिकल और वो सब हो के। पिछले बार का जो बैच था वो बैच एक चक्कर पड़ गया था उस बैच में, उसकी 4 अप्रैल की ज्वाइनिंग थी और मुझे अपना प्रोग्राम करना था, तो मैंने अब सुप्रीम कोर्ट जज को बुलाना था। अब सुप्रीम कोर्ट जज का टाइम मिलना जुलना बहुत टफ और अपने हिसाब से होता है। फिर मैंने सर को कहा, उनको मैंने सर वो तो फिर बच्चे चले ही जाएंगे, तो बोले भाई 1 अप्रैल का रख लो। अब 1 अप्रैल का मैं रखना नहीं चाहता था, आप कह ही नहीं सकते, क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, बोले मैं नहीं आ रहा। अब आप क्या करो बताओ, उन्होंने कहा 1 अप्रैल, तो वैसे भी मैंने कहा कोई जो सोचे अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा, तो 1 अप्रैल का ही रखा प्रोग्राम। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो दूर से दूर, जैसे 4 तारीख को जयपुर आएंगे, फिर वो अपने यहाँ जाएंगे, फिर वहां से फिर जोधपुर जाएंगे, उनके लिए टफ हो गया और डेट वही मिली। फिर भी बहुत सारे आए, फिर उनके पेरेंट्स आए, उनकी जगह पर किसी और ने लिया, तो वो टाइम मिलता नहीं है। इसलिए इसमें तो ये होता है भाई ठीक है कर रहे हो, अटेंडेंस वगैरह का वो समस्या नहीं होती, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो क्लास चल रही है ना, तो क्लास में ही आपकी अटेंडेंस हो गई, क्लास तो चल ही रही है, अलग से कोई क्लास थोड़ी। खैर, तो 73 में जो पहला आपने पढ़ा वो कौन सा था, पहले ही पैराग्राफ पे, 73 के पहले पैराग्राफ पे उसने सोरे का बनाया, मैंने गेहूं का बनाया, एग्जांपल वही है। फिर नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट जानी है कैट का कोर्ट मुंबई नहीं जाता, किंतु वैसे ही हाई फायदा बंदा पर जीप पर रहने वहां। एक बार रमेश तू अपनी हिंदी अच्छा कर, हिंदी भी खूब पढ़ा कर, प्रोनाउंसिएशन समझा कर, क्योंकि हिंदी ये जो बेरेक्ट में पढ़ने में जो दिक्कत आ रही है ऐसी थोड़ी आती है। बेरेक्ट को अभी तो क्या है, जैसे दूसरी क्लास होती है हमारे पास समय होता है, तो जिसकी थोड़ी कमजोर होती है हम उसी को कहते हैं भाई तुम पढ़ो, नहीं तो बाकी पढ़ने के लिए, और पढ़वा तो सिर्फ इसलिए रहा हूँ ठीक है, बाकी तो इलस्ट्रेशन मुझे तो पता है ना कौन कौन से इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ 73 के सारे इलस्ट्रेशन। कितने इलस्ट्रेशन है, कितने, 18 इलस्ट्रेशन है, केवल इलस्ट्रेशन ही पूछ लेता है। पता क्या कर रहा है, ये जो 3 पैराग्राफ दिए हैं इन पैराग्राफ को समझाने की कोशिश इलस्ट्रेशन करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ना वैसा ही ये भी देता है, मैंने 3-4 एग्जांपल दिए, अब और ज्यादा एग्जांपल के लिए आपको ये पढ़ने चाहिए। फिर भी जो ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना,
ये आपके लिए मैं एक तरह का होमवर्क दे रहा हूं। कोई भी रजिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो कितने बार पढ़ोगे? 3 बार। एक बार गिनो, 3 बार को एक बार गिनना है। 20 रजिस्ट्रेशन है, उसकी लास्ट लाइन है, ए इज एंटाइटल टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रबल एंड एक्सपेंस। लास्ट लाइन पढ़ो, अपने उस कष्ट के लिए भी पैसे ले सकता है। ये पता है क्या कह रहा है? ये किस पे है? ये एक्सप्लेनेशन पे है। किस पे है? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में था ना असुविधाएं, एक्सप्लेनेशन पे दृष्टांत बी। कौन सा दृष्टांत? 73 का बी। एक और बी पढ़ा था हमने कहीं, 114 का दृष्टांत बी एविडेंस एक्ट में। 114 का दृष्टांत भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जहां की शास्ति का अनुबंध है वहां भंग के लिए प्रतिकर, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताई थी कि पहले से ही कोई तय कर सकता है, मतलब पेनल्टी तय कर रखी है कि देखो तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या कह रहा है ये? ए, एक साल में नहीं बनाया तो 10,000 रुपए महीने लूंगा, हर महीने के 10,000 रुपए। देखो अभी आजकल आपने देखा ना जेबी, जेबी समझते हो ना? जेबी समझते हो यार? जेबी में बना रहे हैं एक वो जॉइंट वेंचर। कभी कभी ये भी होती है, जैसे मान लो आपके पास एक अच्छा प्लॉट है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आपका प्लॉट, मेरे पैसे और हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? वो हम जो काम कर रहे हैं वो जेबी में कर रहे हैं। किस में मानेंगे उसको? जेबी में। समझ में आई? जेबी जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में जेबी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आदमी जिसकी जमीन है, मुझे सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जमीन पर कुछ दिन तक स्ट्रक्चर खड़ा करके उन्होंने कहा ठीक है 5 साल बाद बनाएंगे, नहीं, तय करके लिखता है। उसमें पेनल्टी तय होती है, इतनी पेनल्टी। मेरे एक स्टूडेंट है, एडीजे का एग्जाम दे रहे थे, बाद में उन्हें लगा के ये कर लेते हैं, तो उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई अजमेर में, अजमेर में बिल्डिंग बनाई। अब पैसे खत्म हुए बिल्डिंग बनाते 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 बनाते, जब पैसे खत्म हो गए तो डिले के लिए, उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था, डिले के लिए वो चले गए, दूसरी पार्टी थी जिसका जमीन थी वो चली गई हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, आर्बिट्रेटर ने कहा भाई, तो उन्हें 26 लाख रुपया पेनल्टी देनी पड़ी। कितने रुपया? 26 लाख रुपया, क्योंकि उसमें क्लॉज था पेनल्टी का। तो पेनल्टी का क्लॉज कौन से सेक्शन में, कहां से बनना है? सेक्शन 74 से। कहां से बना? 74 से। देखिए 74, पहला पैराग्राफ पढ़िए एक बार, मैं पढ़ता हूं। When a contract has been broken, if sum is named in the contract as the amount to paid in case of such breach of the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complying of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the penalty from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named, or the case may be the penalty stipulated for. जब कोई संविदा भंग कर दी गई है, यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो भंग की अवस्था में संदेह हो होगी, यदि शास्ति के तौर पर कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्विष्ट हो, तो चाहे वह साबित किया गया हो या नहीं, उस पर भंग में वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, उस भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार
उस पक्षकार ने से जिसने संविदा भंग की है यथा स्थिति ऐसी नामित रकम से अनुबंध शास्ति से अनधिक युक्त युक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा। एक अंडरलाइन कर लें इसमें, यहां लिखा है ना यथास्थिति नामित रकम से या अनुबंध शास्ति के अनधिक, कॉन्ट्रैक्ट हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग अमाउंट सो नेम्ड और द केस मे बी द पेनल्टी स्टिपुलेटेड। क्या होता है, पहले से ही फिक्स कर लिया आपने 10,000 देना होगा 20,000 देना होगा, तो जो तय कर रखिए उससे ऊपर नहीं जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना। या मान लो कॉन्ट्रैक्ट की राशि से भी ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना, तो जो तय कर लिया आपने उससे ऊपर की नुकसानी या उससे ऊपर की पेनल्टी नहीं होगी। तो इसमें आपको एक लाइन में क्या समझ में आया कि यदि पार्टीज ने पहले ही कोई तय कर दिया है, इसी को बोलते हैं परिनिर्धारित नुकसानी, पहले से की हुई तय की हुई नुकसानी डैमेज कि भाई इतना लेंगे। तो जितने भी जॉइंट वेंचर के केसेस हैं या अन्य कोई भी हैं उनमें पहले ही तय कर दिया था इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट शैल बी द इफेक्ट, यदि संविदा भंग हो जाती है तो संविदा भंग का क्या परिणाम होगा। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यदि कोई भी पक्ष संविदा भंग करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। जब भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट लिखा जाए, जैसे आप कभी कोई एग्रीमेंट लिखा रहे हो तो उसमें सेक्शन 74 जरूर आना चाहिए। मतलब मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना तो रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, टूटते हैं किन्हीं कारणों से हैं, तो वो जिन कारणों से टूटने की संभावना होती है तो वो संभावना पहले ही लिख देनी चाहिए 74 में, वो दे रखी है कि मान लो आज टूट गया, आप बना रहे हो ना, बोले चलो आज कल ऐसी स्थिति बन गई तब क्या होगा, उस दिन की स्थिति को पहले ही लिखा जाना चाहिए। क्योंकि उस दिन यदि पहले ही लिखी हुई होगी दिक्कत नहीं होगी, दूसरी पार्टी जानती है कि यार इतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं समझता, वो सोचता है कि आज की कंडीशन फॉरएवर रहेंगी, फॉरएवर नहीं रहती, हमेशा ही टूटती है। 0.1% स्थिति होती है कि ठीक है सही तरीके से हो जाए। एक्सप्लेनेशन देखो, ए स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफॉल्ट मे बी स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्ति के तौर पर तौर का अनुबंध हो सकता है। व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के अनुबंध शास्ति के तौर पर अनुबंध हो सकता है। ये लाइन समझ में आई क्या, मतलब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भाई इतने परसेंट इंटरेस्ट, तो वो भी एक पेनल्टी का ही रूप हो सकती है।
फिर एक्सेप्शन दे रखा है यहां, when any person enters into any bail bond recognized or other instrument of the same nature or under the provisions of any law under the order of the central government of any state government gives any bond of for the performance of any public duty or act in which the public are interested he shall be liable upon breach of the condition of any such instrument to pay whole sum mentioned therein. जब कोई व्यक्ति जमानतनामा या मुचलका किसी प्रकृति की अन्य लिखित करता है अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेश के अधीन कोई बंध पत्र किसी लोक कर्तव्य या किसी जिसमें जनता हितबद्ध हो पालन के लिए देता है तब ऐसे किसी लिखित की शर्त के भंग होने में उसमें वर्णित संपूर्ण राशि देने के लिए दायी होगा. क्या होता है ये तो समझते हो ना, बेल बॉन्ड. एक तो बेल और एक बॉन्ड. बॉन्ड मतलब मुचलका, मुचलका खुद की प्रॉमिस. यार 1,000 रुपए के मुचलकों पे इसको छोड़ दिया जाए तो मैं ये दे रहा हूं कि 1,000 रुपया मैं दूंगा यदि मैंने जो वचन है वो पूरा नहीं किया. जैसे कोई आदमी जमानत लेने गया, बेल लेने गया, तो वो कहेंगे साहब यदि टाइम पे नहीं आए जिस डेट पर कोर्ट ने बुलाया तो 50,000 रुपए के दो जमानतदार ले आओ. दो जमानतदार लाने के मतलब है कि दो लोग जमानत लेंगे 50,000 रुपए की. ये टाइम पे नहीं आया तो उन्हें 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे. समझ में आ गया ये बेल बॉन्ड. ये इन्होंने कहा कि ये भी इसमें जो बेल बॉन्ड वाली स्थिति है ये भी आएगी लेकिन ये पेनल्टी में नहीं आएगी. जो पेनल्टी का पहला पैराग्राफ है उस कंडीशन में नहीं है लेकिन ये जैसे एक इलस्ट्रेशन देख लो. पहले इलस्ट्रेशन ये खासे का संविदा करता है कि वह खाको एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपए देने में असफल रहे तो वह खाको 1,000 रुपए देगा. उस दिन खाको 500 रुपए देने में असफल रहता है कासे का 1,000 रुपए से अनधिकृत पत्रकार जो न्यायालय युक्त समझे. अब एग्रीमेंट तो 500 रुपए का हुआ था, बोले नहीं दिया तो आप 1,000 दोगे तो ये वैलिड है. कैसा है तो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है उससे लेना देना नहीं है. पेनल्टी इसमें जो लगी हुई है लेकिन 1,000 से ज्यादा नहीं ले सकते. जो पेनल्टी तय हुई है उससे अधिक नहीं ले सकते. ये 74 में आप लोगों ने पढ़ लिया था. दरअसल 74 सिर्फ पेनल्टी और एक तरह से पहले से ही तय डैमेज के लिए और पेनल्टीज के लिए लिखा हुआ है, पहले से ही तय कर लेना. तो 74 बहुत यूज आता है. अब जैसे इसमें है एक कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट इफ ए प्रैक्टिस एज ए सर्जन विद इन कैलकाटा ही विल पे बी 5,000 ए प्रैक्टिस एज ए सर्जन इन कैलकाटा टू सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग रुपीज 5,000 एज कोर्ट कंसिडर रीजनेबल. जैसे एक आदमी है, एक हॉस्पिटल बनाया उसने, एक आदमी को तय किया कि भाई तुम मेरे यहाँ रहोगे, बोले ठीक है लेकिन तुम कहीं पर भी करो लेकिन कैलकाटा में प्रैक्टिस मत करना. मेरे यहाँ से छोड़ने के बाद कैलकाटा में तुमने प्रैक्टिस की तो तुम्हें 5,000 रुपए देने पड़ेंगे. ये सेक्शन 28 का वायोलेशन नहीं है. सेक्शन 28 रेस्ट्रेंट टू ट्रेड, व्यापार अवरोधी कलम नहीं है. क्यों? उसमें दे रखा है ना गुडविल और ये वो लगाई जा सकती है. तो ये सेक्शन 28 का कोई वायलेशन नहीं है.
इलस्ट्रेशन अभी जो गैप करेंगे ना उसमें आप पढ़ लेना इन इलस्ट्रेशन को। सेक्शन 75 सेक्शन 75 पढ़ो एक बार। पार्टी राइटफुली रिसाइंड ए कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, ए पर्सन हु राइटफुली रिसाइंड ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्ष प्रतिकर का हकदार है। वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन के लिए किए जाने से उठाया है। ध्यान आ रहा है, जब हम पढ़ रहे थे कि एक महिला है जो नाट्य गृह में इतने दिन काम करेगी और नाट्य गृह में काम की तो जिस दिन किसी ने लेके गया, अब वो कलाकार उस दिन आया ही नहीं, उस दिन कलाकार उसे अर्जेंट बेस पर कहीं दूसरी जगह से लाना पड़ा और उसने डबल पैसे लिए। तो एक तो उसने कहा यार कल से इसको निकालो वहां, तो निकाल तो लिया ही, लेकिन जो उस दिन नुकसान हुआ उसके लिए सेक्शन 75 कह रहा है। तो अधिकार वो कल पढ़े थे ना कि कहां कहां कौन कौन सी स्थिति में अधिकार पूर्वक किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। हाँ तब नहीं कर सकता यदि वो उसने कह दी हो चल ठीक है तेरे कल जो किया किया अब कंटिन्यू कर, फिर नहीं ले सकता। तो ये सेक्शन 75 है। सेक्शन 75 बहुत छोटा है, इसमें वही नाट्यशाला वाला एग्जांपल दे रखा है। समझ में आ गया? अब ये 76 से 123 तक के जो सेक्शन है, 76 से लेके 123 तक के जो सेक्शन है वो डिलीटेड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तौर पर। और फिर नेक्स्ट पार्ट 124 से चलता है जो अभी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे उसको। और अभी करीब क्योंकि आपको टाइम मिलेगा इनके इलस्ट्रेशंस भी पढ़ने हैं तो आधा घंटे का ब्रेक है, क्योंकि आपको आप जल्दी आ जाना, आप जितने जल्दी आ सको, कोई आए हुए हैं तो आप जल्दी आकर इन इलस्ट्रेशंस को पढ़ लेना। किसी को किसी इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत होगी तो वी कैन डिस्कस अगेन।